welcome or welcome back to my channel. If you are watching me for the first time, then namaste. My name is Lakshi. I am from Uttarakhand. And before you leave, please make sure to subscribe the channel because your support means everything. So as you all know that अभी मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया है. आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट नाउ और हमारे कॉलेज में ना यूनिफॉर्म नहीं है. सो यू डेली नीड सम ड्रेसेस कॉलेज के लिए ऑफ कोर्स. सो टुडे आई हैव गॉट समथिंग रियली एक्साइटिंग टू शेयर विद यू ऑल. गेस व्हाट? यस, इट्स अ मीशो हॉल. मीशो मीन्स अफोर्डेबल एंड अफोर्डेबल मीन्स मीशो. वी ऑल नो दैट, राइट? बट जो आउटफिट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो सुपर 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 डुपर अफोर्डेबल है. मतलब अगर आप 8th क्लास में हो, 9th क्लास में हो ना, तो भी यू कैन अफोर्ड. सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट आई हैव दिस सुपर क्यूट ट्रेंडी पिंक टॉप. आई एम श्योर आपने किसी ना किसी के पास तो ये डेफिनेटली देखा होगा. एंड जब मैंने पहली बार किसी के पास देखा था ना, ये मुझे नहीं पता था ये इतना अफोर्डेबल होगा. एंड जैसे आज मैंने मीशो में देखा, आई वॉज लाइक वाओ, इतना सस्ता है ये. वेल, इट कॉस्ट मी अराउंड 212 एंड आई थिंक 212 कुछ भी नहीं होता. आप लिटरली किसी कैफे में जाओ, मोमोज या कुछ भी नूडल्स वगैरह ऑर्डर करो तो भी आपका 400-500 बिल आ जाता है. तो ये तो फिर भी काफ़ी अफोर्डेबल है. और इसका कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है, लेट मी टेल यू. मतलब ये ऐसा कपड़ा नहीं है कि आप एक बार धोओगे तो ऐसे जाली सा हो जाएगा. आप आराम से इसको चला सकते हो. इट्स क्यूट, राइट? मैं साइड पे डाल दूंगी कैसा लग रहा है पहन के. सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कीप दिस. आई थिंक इट्स वर्थ इट. नेक्स्ट आई हैव दिस ब्लैक कश्मीरी कुर्ती. सी, मुझे ना कश्मीरी आउटफिट बहुत ज़्यादा पसंद है और ये कश्मीरी कुर्ती तो काफ़ी टाइम से ट्रेंड पे है. बट मेरे पास बहुत सारी कुर्तीज है तो आई थॉट कि अभी कहीं जाना भी नहीं होता तो लेना क्यों है. बट जैसे ही मैं कॉलेज आउटफिट्स के लिए सोच रही थी तो मुझे पता था कि एक कश्मीरी कुर्ती तो मुझे डेफिनेटली लेनी है. सो या मैंने ये थोड़ा लार्ज ली है. वैसे मुझे स्मॉल या मीडियम आउटफिट्स आ जाता है बट ये मैंने लार्ज इसलिए ली है क्योंकि कश्मीरी आउटफिट्स ना थोड़े लूज लूज ही अच्छे लगते हैं. सो यस, and it cost me for around 239, I guess. Yes, it's not more than 250, it's se kam hi hai. And it's cute, right? Look at this. Is pe neck pe aur hands pe aur niche border pe embroidery bhi hai. So yeah, I'm going to keep this also. Next, I got this white aur cream color ka kuch cotton sa frock type tops. Well, honestly batau to जो मैंने इसका कैटलॉग देखा था उस पर तो ये काफ़ी प्रिटी लग रहा था. बट ऐसे सामने से देखने में इट्स लुकिंग वेरी चीप. कुछ जो पहले के दो आउटफिट्स थे वो चीप हैं प्राइस में बट क्वालिटी वाइज दे आर गुड. एंड इट ऑल्सो कॉस्ट मी फॉर अराउंड 250, आई गेस. वेट, लेट मी चेक. या इट कॉस्ट मी फॉर ₹225. बट मुझे इसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं लग रहा है. मे बी इसमें आयरन नहीं है, बहुत ज़्यादा रिंकल्स हो, तो शायद इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है. बट अभी जब मैं ट्राई करूंगी तो देन आई विल लेट यू नो इफ आई एम गोइंग टू कीप दिस और आई एम रिटर्निंग दिस. सो या, मुझे इतना पसंद नहीं आया ये. नेक्स्ट आई गॉट अनदर वाइट टॉप. सी, मेरे पास इतने ज़्यादा वाइट आउटफिट्स है ना, आई कान टेल यू. बट स्टिल मैं वाइट ही लेती हूँ. सो या, दिस वन इज क्यूट. कोरियन काइंड ऑफ टॉप जो कि मैंने देख के मंगाया था बट इतना खास मुझे कुछ लग नहीं रहा है ये. और इसका साइज मैंने मंगाया तो मीडियम था बट ये लार्ज आ रखा है तो मुझे काफ़ी चौड़ा भी लग रहा है. लेट्स सी, मैं एक बार ट्राई करूंगी एंड देन आई विल लेट यू नो इफ आई एम गोइंग टू कीप दिस और आई एम गोइंग टू रिटर्न दिस. सो या, नेक्स्ट आई गॉट दिस पर्पल कुर्ता काइंड ऑफ टॉप. इट्स गुड, मतलब कॉलेज के हिसाब से इट्स गुड. इट्स लूज एंड अभी इस टाइम पे पहनने के लिए अच्छा कपड़ा है. इसका कपड़ा भी आई गेस इज कॉटन और रेयन, आई गेस कॉटन. आई थिंक इट कॉस्ट मी अराउंड 212 और 231, समथिंग लाइक दिस. एंड इस पर ना प्रिंट है विच आई एम नॉट श्योर कि ये धो के निकलने वाला है कि क्या होने वाला है. बट या, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कीप दिस. इट्स लूज, मैंने थोड़ा साइज बड़ा ही इसका लार्ज मंगाया क्योंकि मैं ना सच्ची बताऊँ कॉलेज के लिए शॉर्ट कुर्ताज विथ यू नो वाइड लेग जीन्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं एंड नीचे स्नीकर्स, ये पहन के जाती, यही पहन के मैं इतने दिनों से कॉलेज जा रही हूँ. सो यही मैंने मंगा रखा है. जो मैंने कश्मीरी टॉप मंगाया था वो भी इसी पर्पज से मंगाया था एंड ये भी. लेट्स सी कितना चलता है और जब एक आध महीना भी चल जाएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा बिकॉज 200 रुपये में आप और क्या ही एक्सपेक्ट करते हो, राइट? सो एट लास्ट आई हैव दिस वेरी बेसिक ब्लैक टी शर्ट.
सो बेसिकली इसका ना मेरे पास पहले भी एक कलर पड़ा था जो कि था आई थिंक लेवेंडर कलर, और वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, अभी तक भी बहुत अच्छा वो चल रहा है, तो इसीलिए मैंने मंगाया। तो इसके लिए तो मैं आपको डेफिनेटली गारंटी दे सकती हूँ, बट ये थोड़ा क्रॉप टाइप होता है तो उसका साइज़ जो आपका होगा उससे एक साइज़ बड़ा ही मंगाना। मैंने आई थिंक लार्ज ही मंगाया है, और इसका कपड़ा इतना अच्छा है ना, इट कॉस्ट मी अराउंड 202, और 200 के रेंज में ही हैं ये सारे टॉप, इट्स नॉट मोर देन 250। सो या इट्स गुड, मतलब ये तो आप डेफिनेटली ट्राई करना, इसके और कलर्स भी आपको मिल जाएंगे। इट्स गुड, लाइक इट्स कॉटन और आई डोंट नो व्हाट, इट्स आल्सो स्ट्रेचेबल, सो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट इट। एंड यू कैन आल्सो पेयर इट विद जीन्स और विद स्कर्ट्स, आजकल स्कर्ट्स इतनी ट्रेंडिंग चल रही है, मीशो में ही काफ़ी ट्रेंडिंग स्कर्ट्स हैं, तो इसके नीचे वाइट स्कर्ट भी पहन सकते हो, इट विल लुक अमेजिंग। सो या विद दिस आई थिंक अभी मैंने और भी कुछ मंगा रखे थे बट वो आए नहीं है, तो यहीं पर इसको रैप अप करती हूँ, वो शॉर्ट्स के थ्रू मैं आपको बता दूंगी। एज ऑफ नाउ अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगी, जस्ट गो एंड चेक इट आउट। आपको कोई भी टॉप इसमें से अच्छा लगे पक्का परचेस करना, क्योंकि काफ़ी अफोर्डेबल है और इट वॉज लाइक अ वेरी ऑनेस्ट रिव्यू, क्या मुझे पसंद आया क्या नहीं आया और कैसा उनका कपड़ा है। ऑल्सो मैं साइड पे वीडियो तो लगा ही रही हूँ, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो मुझ पर कैसा लग रहा है, आप पे कैसा लगेगा। आई थिंक दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, हैव अ नाइस डे।